तो जॉन सीना ने मनी इन द बैंक पेपर व्यू में अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। और जॉन सीना ने यह भी बताया है कि रॉयल रंबल से रसलमीनिया 41 तक जॉन सीना का फेयरवेल टूर चलने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं या नहीं। तो यार देखो, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही एक न्यूज आई थी कि जॉन सीना को WWE वन लास्ट टाइम सुपर सीना की तरह दिखाने वाली है, यानी कि प्राइम सीना की तरह हमें जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं। और जॉन सीना ने भी WWE में पिछले कुछ सालों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। ये पॉसिबल है कि जॉन सीना अपने करियर की लास्ट स्टेज पर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ दें। और एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जॉन सीना का अपोनेंट कौन होने वाला है। तो बहुत से फैंस चाहते हैं कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट रैंडी ऑर्टन हो, और ऐसा मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, क्योंकि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की राइवलरी WWE की बेस्ट राइवलरी में से एक है। और रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना को रसलमेनिया में वन लास्ट टाइम WWE चैंपियनशिप के लिए रसल करते हुए देखना काफी अमेजिंग होने वाला है। लेकिन थोड़े रूमर्स के हिसाब से जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट रैंडी ऑर्टन नहीं बल्कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी भी काफी अच्छी रही है, तो अगर ब्रॉक और जॉन का रसलमेनिया मैच हमें देखने को मिलता है तो ये भी कमाल का होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का ये मैच ब्रॉक और जॉन दोनों के करियर का लास्ट मैच हो। इन सब चीजों के बाद अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जॉन सीना हमें हील कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो देखो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जॉन सीना हील कैरेक्टर भी प्ले करते हैं तो भी उन्हें ऑडियंस से हेट नहीं मिलेगी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जॉन सीना इस समय हील कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। खैर, जैसा भी हो, अब जॉन सीना को WWE वैसा ही फेयरवेल दे जैसा वो डिजर्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करना चाहते हो तो इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, DM कर देना। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज तो मैं लाता ही रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।